बड़ा सवाल। आज हम पढ़ेंगे श्वेत वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी हरी घास पर घंटे। यह जो एकांकी है श्वेत वर्मा की, इस एकांकी में क्या है, जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक जो प्रस्तुतिकरण है वह किया गया है। जीवन की परिस्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण कैसे, कि हमारे जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं उसी को भी इस एकांकी में तीन जोड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी में जो पहला जोड़ा है युवक और युवती का है, दूसरा जोड़ा जो है अधेड़ स्त्री और पुरुष का है, तीसरा जो जोड़ा है व्रत और वृद्धा का है। पहला जोड़ा जो एकांकी के अंदर है उसमें क्या है, युवक और युवती को दर्शाया गया है जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, आपस में उनके प्रेम भाव है, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोई भी जीवन का निर्णय है एक दूसरे से मिल करके लेते हैं, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। तो पहला जोड़ा जो युवक युवती का है, इस जोड़े की जो बातें हैं उनमें किसी तरह का कोई गंभीरता नहीं है, उनकी बातचीत करने के तरीके में कोई आपको जल्दबाजी नहीं नजर आएगी, कोई गंभीर नजर नहीं आएगा, एक दूसरे से प्रेम भाव करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हंसी मजाक के द्वारा भी अपने इस जीवन को अच्छे से बिता रहे हैं। तो यह जीवन की पहली अवस्था दिखाई गई है इसके अंदर, विवाह जब हो जाता है उसके उपरांत जो जीवन किस तरह से जिया जाता है, युवक युवती का जीवन किस प्रकार से होता है या स्त्री पुरुष का जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके अंदर उनकी कैसी स्थिति होती है, उसके अनुरूप को व्यवहार करते हैं। दूसरा जो जोड़ा है अधेड़ स्त्री पुरुष का है, ठीक है, इनके आपस इनके क्या है तीन बच्चे हैं इसमें। इस अवस्था के अंतर्गत जो आ रहे हैं वो क्या है, अपनी चिंता ना करके हंसी मजाक ना करके जीवन की जो परिस्थितियां, यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। यहाँ तक परिस्थितियां कैसी थी कि हंसी मजाक भी चल रहा था, व्यक्ति का अभी नया नया विवाह हुआ है, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे की और हंसी से प्यार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक को कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनका जो जोड़ा है वो इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, इस तरह की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा जोड़ा है अधेड़ स्त्री पुरुष का, इनकी किस तरह की बातें होती हैं कि आज दूध का बिल आ गया, आज बिजली का बिल आ गया, बेटे को वहाँ पढ़ने भेजना है, बेटे को उधर पढ़ने भेजना है, आज इस काम के लिए जाना है, आज उस काम के लिए जाना है, या अपने जीवन से रिलेटेड जो होता है, यहाँ तक तो ये क्या है दोनों अपने ऊपर ही फोकस कर रहे थे, अपने जीवन की समस्याओं को ही या अपने जीवन की ही बातें कर रहे थे, यहाँ आकर के क्या है स्थिति बदल गई है। यहाँ पर क्या है वे एक दूसरे से क्या है बातचीत कम कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें ज्यादा कर रहे हैं, निजी बातें कम कर रहे हैं, गृहस्थी की बातें ज्यादा कर रहे हैं, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, ठीक है, महीने के राशन की चिंता, बिजली के बिल की चिंता और दूध की चिंता, इस तरह से जो परिस्थितियां बदल गई, यहाँ परिस्थितियां कुछ और थी और इस जोड़े की जो बातें चल रही हैं दिखाई गई हैं कहानी में उसमें क्या है और परिस्थितियां आ गई है, यह जीवन की दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था या तीसरा जोड़ा जो है वृद्ध और वृद्धा का है, जो कि अकेलेपन को महसूस करते हैं, अकेलेपन से ग्रस्त हैं, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है शरीर को बहुत सारे रोग लग जाते हैं, कहीं बाहर भी जाना हो तो सौ बार सोचेंगे, डायबिटीज की दवाइयाँ डालने क्या, बीपी की दवाइयाँ डालने क्या, इस तरह की बातें चल रही हैं, आपस में इसी तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कहानी के अंदर, कि जब इनको कहीं कोई बाहर आमंत्रण आता है तो दोनों मिलकर के साथ जाते हैं और फिर एक दूसरे की चिंता करते हैं कि आपने वो दवाई डाली, पति कहता है कि आपने वो दवाई डाली, आंखों की दवाई ले ली, कान की दवाई ले ली या फिर बीपी की डायबिटीज की। यहाँ जो बातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, यहाँ की स्थिति कुछ और थी, यहाँ पर आकर स्थिति कुछ और हो गई है। यहाँ पर अभी बच्चों के करियर को लेकर के, बच्चों के भविष्य
अकेले है और यहाँ पर आकर के क्या है, बिल्कुल ही अकेलेपन का महसूस हो रहा है। हो रहा है कि बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं बच्चे के, तो अब वृद्ध और वृद्धा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो गए हैं। तो इनकी जो बातचीत है वो दवाइयों पर चलती है कि उन्होंने ये दवाई खा ली, सुबह वाली दवाई खा ली, खाली पेट वाली दवाई खा ली। तो इनकी बातें अलग तरह की हैं, इनकी बातें अलग तरह की हैं और इनकी बातें अलग तरीके की है। तो जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण इस एकांकी में किया गया है। इस किस माध्यम से, पहला जोड़ा युक्ति के माध्यम से, दूसरा अधेड़ स्त्री और पुरुष के माध्यम से, तीसरा जोड़ा जो है वृद्ध और वृद्धा का के माध्यम से, इन तीन परिस्थितियों को इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। हरी घास पर घंटे भर, इस एकांकी में क्या है, जो हरी घास पे घंटे भर है, इस एकांकी में क्या होता है, मतलब जो ये जोड़े हैं तीनों ही, ये क्या है, हरी घास पर बैठे क्या है चर्चा कर रहे होते हैं। तो लेखक ने जब देखा कि तीनों जोड़े अलग अलग तरीके की बातचीत कर रहे हैं, तीन परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं, तो लेखक के मन में आया कि इस तरह की एकांकी लिखी जाए। और उन्होंने क्या है, इस तरह की एकांकी लिखी और ये हरी घास पर बैठ करके ये कह रहे हैं तीन बातें जो थी, जो आपस में कर रहे थे, अधेड़ स्त्री पुरुष की जो बातें थी या वृद्ध वृद्धा की जो बातें थी, उन तीन परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया गया है। और ये बातें करना हुई है हरी घास पर, जैसे पार्क में लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ एक युवक युवती का जोड़ा था, एक अधेड़ स्त्री का जोड़ा था और एक जो वहाँ हरी घास पर बैठ करके कुछ घंटे अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। उन्हीं की बातचीत के आधार पर ही क्या है, जीवन की स्थितियों को की जो तुलना है या उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो इस एकांकी में किया गया है।